इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के 2018 वन मोर क्वेश्चन हाउ मैनी डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ के. तो यहाँ पर क्वेश्चन में आ रहा है डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ के. अभी देखिएगा अभी गेट 2018 का ट्रेंड डिस्टिंक्ट वैल्यूज डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज डिस्टिंक्ट वैल्यूज, तो यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा हो सकता है. चलिए कोई बात नहीं, इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा. सो दैट ए एक्स इज इक्वल टू जीरो. सो ए एक्स इज इक्वल टू जीरो हमारे पास एक डेटा मिला. वॉट इज दिस इज वॉट होमोजीनियस आपके पास क्या सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन. ठीक है, तो होमोजीनियस सिस्टम हमेशा कंसिस्टेंट होता है. प्रीवियस वीडियोज आप देखेंगे होमोजीनियस सिस्टम नॉन होमोजीनियस सिस्टम सब कुछ हमने सॉल्व किया हुआ है गेट अकेडमी के वेब इसमें आपके पास यूट्यूब चैनल पे. तो होमोजीनियस सिस्टम क्या होता है, ऑलवेज कंसिस्टेंट. इसका मतलब ये कि इसमें नो सॉल्यूशन वाला केस नहीं होता, या तो इन्फाइनाइट सॉल्यूशन होगा या फिर यूनिक सॉल्यूशन होगा. और इन्फाइनाइट सॉल्यूशन का केस होता है डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितना, जीरो. ज्यादा सोचने की नीड नहीं है इसमें. ठीक है, कंसिस्टेंट ऑलवेज एंड हैव इन्फाइनाइट सॉल्यूशन. इफ इन द केस ऑफ यूनिक सॉल्यूशन द डिटर्मिनेंट शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो. फॉर इन्फाइनाइट सॉल्यूशन डिटर्मिनेंट इज डेफिनेटली इज इक्वल टू जीरो बिकॉज यहाँ पे नो सॉल्यूशन का तो केस होगा नहीं. तो प्यार भरा एक क्वेश्चन हमारे पास है, इस क्वेश्चन को उठाना है और डिटर्मिनेंट की वैल्यू कर देनी है जीरो और के की वैल्यू निकाल लेनी है. अप्लाई करते हैं हम लोग. तो हमारे पास आ रहा है A11 A12. तो हम लोग के पास एक 2x2 का मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना इतना आसान काम करने वाले हैं हम लोग. तो ये क्या हो गया के. नेक्स्ट हमारे पास आता है 2k. नेक्स्ट हमारे पास आता है के स्क्वायर माइनस के. और नेक्स्ट हमारे पास आता है आपके पास क्या के स्क्वायर और इज इक्वल टू क्या करने वाले अब जीरो. इम्प्लाइज मारा. अब इसको सॉल्व कर लेना. तो यहाँ पे वो मल्टीप्लाई हो गया भाई, के का पावर आया 3. ठीक है ना, के का पावर 3. अब माइनस करने वाले हैं तो ये आ गया हमारे पास माइनस 2k और मल्टीप्लाई हो गया आपके पास के स्क्वायर माइनस के इज इक्वल टू जीरो. अब इसको सॉल्व कर लें, यहाँ पे कर लेते हैं. तो के का पावर 3 माइनस मल्टीप्लाई किया तो माइनस 2 के का पावर 3 और माइनस माइनस प्लस 2 के स्क्वायर. तो ये हमारे पास इज इक्वल टू जीरो. तो यहाँ पर हमको दिख रहा है क्या, हमको दिख रहा है कि पॉजिटिव वैल्यू आ रही है 2 के स्क्वायर और माइनस हमारे पास आ रहा है के का पावर 3 इज इक्वल टू जीरो. यहाँ से के स्क्वायर इज आउट. सो वी हैव व्हाट, के स्क्वायर इज आउट. तो हमारे पास आया 2 माइनस के इज इक्वल टू जीरो. तो इट इम्प्लाइज अगर पावर 3 की बात करें तो के की वैल्यू आ रही है 0.0.2. सो डिस्टिंक्ट के की डिस्टिंक्ट वैल्यू की बात कर रहे हैं तो आप ध्यान से देखिएगा, इन दोनों को तो हम सेम बोलने वाले हैं, है ना. इन दोनों को आप बोलने वाले हो सेम, और इनको मिला के आप क्या बोलने वाले हो, डिस्टिंक्ट. तो आप डिस्टिंक्ट वैल्यू की बात अगर करें तो टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यू कितनी, 2. तो हमारे पास आंसर क्या आने वाला है इसका, 2 डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ के. ज़्यादा सोचने की नीड नहीं है. अगर के की डिस्टिंक्ट वैल्यू की बात करने वाले तो 0, 0 तो सेम वैल्यू होने वाली, एंड 0 एंड 2 आर डिस्टिंक्ट, देन द आंसर इज वॉट, 2. के की डिस्टिंक्ट वैल्यू आपके पास 2 मिलने वाली है. थैंक यू.